कल मुझे व्यापार में बहुत हानि हुई, कहीं भविष्य में फिर से हानि तो नहीं होगी? मनुष्य भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के चिंतन करता है। जो बीत गया उसके विषय में रोता है और आने वाले कल अपने भविष्य से भयभीत रहता है। क्या आप भी कहीं इसी प्रकार के चिंतन में डूबे तो नहीं रहते? तनिक सोचिए, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात उसके विषय में शोक मनाकर कोई लाभ नहीं, और जो आने वाला भविष्य है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, उसके विषय में भी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। यदि आपको वास्तव में जीवन जीना है तो आज अभी में जी। यदि आपका आज सवर गया तो आपके अतीत में जो हानि हुई थी उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका आने वाला भविष्य भी सवर जाएगा। आदेश करें अंगराज। जब परिस्थिति पीछे ढकेले तो मनुष्य को आगे बढ़ परिस्थिति को पीछे ढकेल देना चाहिए। आगे बढ़ो सत्य सेन। पिछली बार वो भाग्यशाली निकला, परंतु हर बार उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। आचार्य, मैं जाके उस भीम को संभालता हूं, आप यहां रुक के सेना का नेतृत्व कीजिए। चलो साथ ही। किसका इतना दुस्साहस? मेरा युवराज दुर्योधन का रथ रोके, बोलो किसका ये साहस? मैंने किया है काकाश्री। अब बताओ गदाधारी भीम, हम पांचों के साथ युद्ध करने में तुम्हें कहीं भय तो नहीं लग रहा है? भय और भीम को तुम करो भयों से।
अब आपके पास दो ही मार्ग है, द्वंद कीजिए या समर्पण। जाओ बालक, जाओ, जाओ जाके कहीं और खेलो। मैं दुर्योधन हूं, दुर्योधन मेरे साथ द्वंद करना भारी पड़ेगा तुम्हें। इस भ्रम में मत रहिएगा काकाश्री कि मैं आपसे द्वंद करने में सक्षम नहीं। बालक अवश्य परंतु एक योद्धा भी। उत्तम, अति उत्तम अभिमन्यु। परंतु यदि तुम्हारा ये खेल समाप्त हो गया हो तो मैं जाऊं, क्या है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बंद करने जाना है मुझे। तुम्हारे लिए समय नहीं है मेरे पास अलग। परंतु द्वंद में आगे जाने का आप एक ही विकल्प है काकाश्री, कि आप मेरे चुनौती स्वीकार करें और मुझसे द्वंद करें। ऐसा शीन प्रहार जो मेरे रथ को हिला भी ना पाया। अच्छा तो सब घेर कर प्रहार करोगे? करो, करो अपनी मंशा पूरी। सावधान अंग्रेज, we'll be right back.
नहीं मानेगा बालक। नहीं मानेगा तू तो ठीक है, मेरे हाथों में मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो जा। कुशल तो हैं आप? हाँ, परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो शीघ्र ही अर्जुन हमें इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल देगा। क्या करें अंगराज? योद्धा के पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आगे बढ़ो सत्यसेन। प्रतीत होता है माधव कि कर्ण को युद्धभूमि से दूर रखने के लिए यह अस्त्र पर्याप्त होगा। किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाना उचित नहीं होता पार्थ। अद्भुत, अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर्ण। तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा हो कर्ण। माधव, मैंने अपने बाण से कर्ण को युद्धभूमि से लगभग बाहर ही धकेल दिया, तब तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। कर्ण के प्रहार से हमारा रथ तनिक क्या कांपा, आप उसकी प्रशंसा ही किए जा रहे हैं। क्यों? शत्रु हो या मित्र, प्रतिभा और कौशल की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए पार। यदि ऐसा है तो मेरे प्रहार कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, तब भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। मानता हूं पार कि तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ बहुत अधिक पीछे चला गया और कर्ण के प्रहार से हमारा रथ बस कुछ ही अंगुल पीछे गए। परंतु तुम ये मत भूलो पार्थ कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी एक सामान्य मनुष्य है। और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान हूं, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर
और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है पार्थ। अब तुम ही बताओ पार्थ, मैं कैसे इतने कुशल योद्धा की प्रशंसा ना करूं? वास्तव में कर्ण एक कुशल और वीर योद्धा है। रक्षा अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सामने भीम नहीं तुम्हारा काल खड़ा है। भीम, तूने क्या किया? कहाँ चले काकाश्री? वंद अभी शेष है। मेरे मार्ग में माता बालक भाषा पुत्रों की रक्षा कीजिए आर्य, उनके सुरक्षा के संकेत मेरे जलाए दीपकों की लौ डगमगा रही है। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है स्वामी, ये अवश्य ही कोई अपशगुन है। महाबली भीम ने आपके एक और पुत्र का वध कर दिया है महाराज। कह दीजिए संजय से, ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज, महाबली भीम ने आपके पुत्रों का नाश करना आरंभ कर दिया है। ये क्या किया तुमने भीम? ये क्या किया? समर्थ है तो आकर मुझसे लड़, मेरे भाइयों का रथ क्यों भाग रहा है? गर!
की भांति क्या भाग रहे हो? साहस है तो युद्ध करो कर्ण। रणछोड़ की उपाधि मेरे लिए अपमान नहीं सम्मान है। ये मैंने माधव से ही सीखा है कि कभी कभी युद्ध टाल देना श्रेष्ठ होता है। हाँ, मैं स्वीकारता हूं कि मैं यह द्वंद्व अपूर्ण छोड़कर जा रहा हूं, परंतु इस द्वंद्व को मैं बहुत शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। अर्जुन, तुम यह समझ लो अर्जुन कि भीम के कारण तुम्हें कुछ और क्षण जीने का अवसर मिल गया है। शीघ्र करो सत्यसेन। सावधान कर्ण।